नमस्कार, मैं प्रिया एक बार फिर से स्वागत करती हूं आपका भारत लाइव में। बिहार में जो विधानसभा चुनाव होने हैं उसको लेकर सभी पार्टियां जो है तैयारियों में लगी हुई है। इस बीच तैयारियों में लगातार जो है अब वार पलटवार का दौर चल रहा है। वार पलटवार में कुछ नेता जो हैं ऐसा भी करते हैं कि वो बिहार के बाहर के जो राजनीतिक मुद्दे होते हैं उसे बिहार में लाने की कोशिश करते हैं। यही चीज़ नित्यानंद राय ने किया। नित्यानंद राय ने महरार में हो रहे सभा में, जनसभा में एक ऐसी बात बोल दी जो इसको लेकर कांग्रेस और राजद दोनों का जो गुस्सा था वो चरम पे चला गया। उन्होंने महनार जनसभा में कहा कि कश्मीर से आतंकियों को भगाया जा रहा है, अगर बिहार में महागठबंधन की सरकार बन जाती है तो जो कश्मीर से भागे हुए आतंकी हैं वो यहाँ आकर बस जाएंगे, वो यहाँ आकर रहने लगेंगे। इस पर राजद और कांग्रेस के जो दिग्गज नेता हैं उन्होंने पलटवार करते हुए उन पर कहा कि जो लोग हमें वोट देंगे क्या वो आतंकी हैं, क्या वो आतंकियों को सपोर्ट करते हैं, या फिर जो लोग यहाँ पे हमारे महागठबंधन को पसंद करेंगे वो लोग आतंकवादी की श्रेणी में आते हैं। ऐसा कहकर वो जो है बिहार की जनता को नीचा दिखा रहे हैं। कहीं ना कहीं ये चीज़ें उन्होंने स्पष्ट रूप से ना सही लेकिन घुमा फिरा कर जो बातें की जाती है ना उसमें उन्होंने यह बात क्लियर कर दी कि बिहार की जनता को वो जो हैं आतंकियों से कंपेयर कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये जो बयान नित्यानंद राय की तरफ से आया है वो एक भड़काऊ बयान है। लगातार जो है स्टार प्रचारक जो हैं अलग अलग पार्टियों के, अलग अलग गठबंधन के, वो सभी अपनी बातें जो हैं जनता तक रखने की कोशिश कर रहे हैं। अपने जो चुनावी मुद्दे हैं, जो चुनावी रणनीति कह सकते हैं, जिसे वो चुनावी मैदान में लेके उतर रहे हैं, दूसरे विपक्ष जो हैं उनके अपोजिशन के खिलाफ जो लेके जो उन मुद्दों को लेकर उठ रहे हैं वो मुद्दे जो हैं कहीं ना कहीं ये जो कश्मीर वाला मुद्दा है वो कहीं ना कहीं भड़काऊ मुद्दा हो चुका है। इस पर जो है इस पर राजद के जो प्रदेश प्रवक्ता हैं मृत्युंजय तिवारी हैं, उन्होंने कहा कि भाजपा समाज में उन्माद फैलाने की चाह रही है। इस तरह के बयान देकर केंद्रीय मंत्री गृह युद्ध कराना चाह रहे हैं। केंद्र सरकार से कश्मीर संभल नहीं रहा पर बिहारियों को आतंकी बता रहे हैं। क्या राजद को वोट देने वाले सारे लोग आतंकी हैं? भाजपा को अपने इस बयान के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए। उन्होंने कहा कि राजद ने अपनी पहली ही हार मान ली है। वहीं दूसरी ओर जो है कांग्रेस के जो महागठबंधन में शामिल साथी दल हैं कांग्रेस ने भी इस पर बयान जारी किया। कांग्रेस के जो प्रदेश प्रवक्ता हैं राजेश राठौर, उन्होंने भी कहा कि इस तरह के बयान देने वाले मानसिक रूप से दिवालिया हो चुके हैं। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल ने भी कहा कि केंद्रीय मंत्री की चिंता जायज है। जो इस तरह के जो भड़काऊ बयान लगातार आ रहे हैं उससे जो अपोजिशन पार्टी है कहीं ना कहीं वो लगातार जो चीज़ों को लेकर है मुखर हो रहे हैं और अपनी बातें रख रहे हैं। इस तरह की जो चीज़ें चल रही हैं वो राजनीतिक जो विधानसभा चुनाव होने हैं उसको लेकर कहीं ना कहीं नित्यानंद राय की तरफ से आए जो उन्होंने अपने जनसभा के दौरान जो बयान जारी किया उसको लेकर महागठबंधन में खलबली मच गई है। महागठबंधन के जो दिग्गज नेता हैं, जो बड़े बड़े नेता हैं, वो इस मुद्दे को लेकर लगातार जो है मुखर हो रहे हैं और अपनी बातें रख रहे हैं और कहीं ना कहीं वो ये बोल रहे हैं कि जो भाजपा है वो उन्माद फैलाना चाहती है, वो दंगा करवाना चाहती है बिहारियों के बीच। उनकी यही कारण है कि वो ऐसे जो भड़काऊ बयान हैं वो दे रहे हैं। तो हम आपके सामने ऐसे ही अपडेट्स लाते रहेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।